Understand a book only when you turn the pages. Echoing the same, we have the next session for the festival, "My Country, My Kahani" themed. This session has been dedicated to a man who has returned literature in exactness what literature blessed him with. He worked as a rickshaw puller and a sweeper before his incarceration over a political fallout. In the confines of the jail, he taught himself to read and write, and devoted himself to writing stories about the milieu he knew the best the downtrodden, the hungry, the forgotten. Vyapari was elected as the MLA from Balaghat constituency in 2021. He represents the All India Trinamool Congress in the West Bengal Legislative Assembly. We present to you Mr. Manoranjan Vyapari. This session has been titled from a rickshawala to a MLA, how I rewrote my life. It's my honor on my part to request Mr. Manoranjan Vyapari to join us on the stage for this session. You have been कुली रह चुके हैं और क्या क्या किया आपने डोम डोम का काम किया है चाय वाले के असिस्टेंट भी रह चुके हैं और अब आप एम एल ए हैं और राइटर तो आप हैं ही तो इस काम में सबसे अच्छा काम आपको कौन सा अच्छा लगा सभी काम अच्छा लगा जो भी किया जो किया उस समय के लिए वो काम सबसे अच्छा था लेकिन अभी जो मैं एक विधायक हूं इसके पहले मैं एक राइटर था अभी भी राइटर हूं राइटर उससे अभी रिटायर नहीं मिला है हर काम से कभी रिटायर होता ही नहीं है <laughs> तो उस समय क्या है कि मैं लोगों का दुख दर्द को बेचा करता था लोग को आंसुओं को बेचा करता था किसी ने मेरे को अपना दुख के बारे में बताया दुखी हम उसको सुन लिए और उसको लेख डाले उसको एक पुस्तक बना डाले वो छप गया उसे रॉयल्टी मिलता था हमें तो फायदा हमको होता था उनको कुछ नहीं हुआ अभी विधायक होने के बाद हम लोगों को बीच में जाकर के उनका दुख दर्द दूर करने के लिए सरकार की ओर से जो प्रयास जो प्रकल्प उसको उन तक पहुंचा पा रहा हूं तो इसके लिए अभी ये काम अभी का समय के लिए ये काम मेरे लिए अच्छा है बट आप इतने आज़ाद पसंद आदमी हैं आपने जो कुछ किया है अपने टर्म्स पर किया है किसी का किसी की बात नहीं सुनी है जो आपको करना था आपने किया पॉलिटिक्स में राजनीति में आप खुश हैं वहाँ तो थोड़ा क्रम में रहना पड़ता है ना राजनीति में आने का हमारा कोई मकसद था नहीं लेकिन बंगाल का जो स्थिति एक साल पहले डेढ़ साल पहले जिस तरह बिगड़ गया था और जैसे धमकी हम लोग को मिलने लगा था फोन आने लगा था गौरी लंकेश का भाई बना देंगे हमने किया क्या भाई हम लोग तो कुछ लिखते हैं जो चीज़ हमने अपनी जिंदगी में जाना जाचा परखा समझा हमने उस चीज़ को एक पुस्तक में रखा और लोगों को कहा कि ये बात सत्य है इस पे कुछ लोग हम पर हम लोग पर नाराज़ हो जाते हैं हम लोग को गौरी लंकेश का भाई बना देंगे ये सब बोलते हैं हमने जिंदगी भर एक झोपड़ी में रहे ये लोकसभा चुनाव का पहले अमेजोन का एक पुस्तक प्रकाशन संस्था वेस्टलैंड उनका साथ एक एग्रीमेंट हुआ हमें कुछ पैसा मिला और दो चार बड़े बड़े पुरस्कार हमको मिला हिंदू पुरस्कार मिला गेट वे लिटपेज राइटर ऑफ द ईयर बॉम्बे से मिला ऐसे कई पुरस्कार मिल गए तो कई लाख रुपया इकट्ठा हो गए तो हम बोला चलो एक बार एक मकान बना लिया जाए जिंदगी में कभी तो जोकप्री के अलावा कुछ रेलवे स्टेशन में आठ साल तक सोए रहे तो बोले चलो एक बार आखिर मरने के तो थो, थोड़ी दिन पहले एक, म, एक अच्छा मकान में थोड़े समय के लिए आ जाए तो आपने वो मकान बनाना शुरू किया और लोकसभा चुनाव खत्म हो गया तब तक हमारा मकान बना ही नहीं <laughs> लेकिन हमारा दो तल्ला कौन ले लेगा ले एक तल्ला कौन ले लेगा ले आपने वो लोग बंटवारा कर लिया तो हमने देखा ये 2021 में अगर इस चुनाव में वो लोग अगर आ जाए सत्ता में तो हम तो फिर वही फुटपथियाँ बन जाएंगे हमको तो फिर वही बीवी बच्चा लेकर के रेलवे स्टेशन में जा करके रहना पड़ेगा तो जब इतना हानि इतना नुकसान होना है हमको गौरी लंकेश का भाई बनना ही है तो क्यों न बिना लड़े हम बने लड़ ले लड़ लिया और पता नहीं इस बात में यहाँ कितने लोग खुश हो जाएंगे और कितने लोग दुखी पता नहीं जिन जगह में हमने लड़े बलागर वहाँ जनसंघ का प्रतिष्ठा था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्मभूमि और लोकसभा चुनाव में वहाँ तृणमूल कांग्रेस छत्तीस हजार वोटों से हारे थे हम रहते हैं चौबीस परगना चार जिला के बाद चौबीस परगुना कलकत्ता हुगली हावड़ा उसके बाद हुगली आकर के हमने चुनाव लड़े हम लिखते थे हमारे लेख लोग पढ़ते हैं हमें पेपर में छोपी हमारा आता है हमारे को टीवी में दिखाया जाता है इन सब कारणों से उन बलाघर के उन हुगली के लोग भी हमें जानते थे उन छत्तीस हज़ार वोटों को कवर करके हमने नौ हज़ार वोटों से वहाँ जीता तो एक सीट कम से कम एक सीट कम से कम हम तीनों का झोली में या कहा जाए तो जो लोग गणतंत्र में विश्वास करते हैं सांप्रदायिक ऐक्य में विश्वास करते हैं भेदभाव पसंद नहीं करते हैं उनके पक्ष में ला दिए ममता दी आपकी किताबें पढ़ी हुई है उनसे कभी पूछा नहीं लेकिन जरूर पढ़े होंगे नहीं तो फिर जब जिस समय हम उनके पार्टी में आए डेढ़ साल पहले उनकी पार्टी छोड़ करके एक सौ तिरपन बड़े बड़े लीडर छोड़ के जा चुके थे जब टिकट बहुतों को टिकट नहीं मिल पाने के कारण पार्टी छोड़ रहे थे उस समय उन्होंने हमें फोन करके खुद क्यों बोलेंगे कि आपको चुनाव में लड़ना होगा तो वो मेरे पुस्तक पढ़े होंगे मेरे बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे तभी तो किया होगा ऐसे मुझे लगता है मनोरंजन जी जब आपकी किताबें बांग्ला में प्रकाशित हुई तब आपके फैंस थे अंग्रेजी में जब ट्रांसलेशन हुआ तब आपके फैंडम भी बहुत बढ़ गया और पुरस्कार भी मिले तो आपको लगता है कि अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होना रीजनल राइटर जैसे कहा जाता है रीजनल राइटर सब लैंग्वेज uh, इंडियन है बट ट्रांसलेशन इंग्लिश में ट्रांसलेशन बहुत जरूरी होता है इंग्लिश में ट्रांसलेट होना जरूरी है और, और भाषा में अगर हो सके तो हिब्रू में भी ट्रांसलेट होना चाहिए <laughs> बिल्कुल ऐसा में और हिब्रू का भी कोई लेख है तो वो भी क्योंकि हम हमारे हम जो एक बंगाल के एक खुदीराबाद नाम का एक जगह में रहते हैं हम जो कुछ लिखते हैं वो लेख में क्या है अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट ना होता तो लोग कैसे जान पाते अंग्रेजी का पुस्तक अगर बांग्ला में ट्रांसलेट ना हो तो हम जैसे लोग जो अंग्रेजी जानते ही नहीं वो लोग हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे हिंदी का पुस्तक अगर बांग्ला में ट्रांसलेट ना हो तो हम लोग कैसे पढ़ पाएंगे हमारे पुस्तक अगर हिंदी में ट्रांसलेट ना हो तो कैसे लोग जान पाएंगे इसलिए ट्रांसलेट होना बहुत जरूरी है लेकिन एक समस्या भी है समस्या ये है कि हम आम, हमारे क्षेत्रीय भाषा में इतने अच्छे तक लिखा गया अंग्रेजी भाषा में उन क्षेत्रियों भावना को और उन भाषाओं को लाना थोड़ा से मुश्किल पड़ जाता है एक मेरे बड़े विशाल की एक भाषा है हालार पो हाला साफ सा, सा रह गाले माड़ी ये जो भाषा है इसको अंग्रेजी में किसी भी कैसे भी करके उसको लाया नहीं, नहीं कर सकता इतना मारूंगा कि थोड़ा बिगाड़ दूंगा <laughs> आपको कभी गंदे गाली भी आए उसके साथ कभी राजनीति राज तो में ये कैसे? बोलना पड़ता है किसी को राजनीति में किसी को बोलना पड़ता है नहीं वो तो राजनीति में जो जिस जगह जैसे कुछ कुछ जगह ऐसा है जो अब गाली बके भी भाषण देंगे तो वो भाषण लोगों को पसंद नहीं आएगा वहाँ गाली देना पड़ता है गाली सुनना भी पड़ता है तो ये तो राजनीतिक अंग गाली देना और लेना भी ये दोनों आपने इतना खुद से आपने पढ़ा लिखा बंगाली में हमें पता महाश्वेता देवी की जो कहानी है कितनी मतलब आ, जैसा लगता है आप आपको किस किताब या किन किताबों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया ऐसे तो एक पुस्तक का नाम तो मैं नहीं, नहीं ले पाऊंगा लेकिन मेरे भावना में एक परिवर्तन अगर लाया था तो वो पूरा पुस्तक है मनोज बसु का निशि कुटुम्ब उस पुस्तक का नाम है वो एक चोर का जीवन पर आधारित तो उपन्यास है निशि कुटुम्ब साहेब नाम का एक चोर वो जेल में बैठ के हम वही पुस्तक पहले वो मेरे पहले पढ़ा हुआ पुस्तक है निशि कुटुम्ब तो जब हमने राइट लिखन का क्षेत्र में आ गए आने का कोई संभावना तो था ही नहीं लेकिन जब हम आ गए तो हमने ये सोचा कि ये जो मनोज बसु है भद्र लोग लिखे पढ़े लोग अच्छे लोग इस चोर के बारे में इतना कैसे जान गए <laughs> और चोर के बारे में ऐसे कैसे लिखा तो हमने इन्होंने चोर को कभी देखा ही नहीं देखने का कोई संभावना है ही नहीं इन्होंने हो सकता है कि दो चार पुस्तक पढ़े दो चार लोगों से कुछ बातचीत करके, और हमने तो उन चोर डाकू खूनियों के बीच में इतने दिन है उनको इतने करीब से देखें नजदीक से देखे तो अगर हम अगर लिखना चाहें तो उससे बेहतर हम लिख सकते हैं ऐसा एक आत्मविश्वास में आया तो इसके लिए हम और हमारे पुस्तक को आप लोग अगर पढ़े होंगे अभी अभी एक ईमान नाम का एक पुस्तक हाँ, बिल्कुल वो एक लड़का माँ का गोद में बैठ के जेल में चला जाता उन उनका माँ कुछ किया होगा अपराध पता नहीं लेकिन वो जेल में जाके माँ मर जाता है माँ मर जाने के बाद में वो छोटी सी बच्चा उसको बाहर में कोई ऐसा हो, उसके अपना आदमी रिश्तेदार कोई है नहीं जो वो उसको जेल से छुड़ा के लाए और अपने पास रखे और जेल तो छोड़ नहीं सकता जब तक वो 18 साल उम्र उस बच्चे का ना हो जाए उसको छोड़ नहीं सकता तो 18 साल तक उस बच्चे वही जेल में रहे और कागजात तैयार करने में उसको छोड़ने के लिए जो आ, आ, जो, जो कागजात तैयार करना पड़ता है वो करने के लिए भी दो एक दो साल और निकल गए तो वो जब जेल से निकले अब उसका नजरिया से दुनिया कैसा होगा उन्होंने तो जेल का बाहर का दुनिया का को कोई देखा ही नहीं कुछ नहीं देखा और जब घूम रहा चारों तरफ तो उससे पहले जिससे मुलाकात होता है वो कभी ना कभी जेल गया हो ऐसा ही तो ऐसा ही तो किसी से होगा तो कोई पकेट मार है कोई मर्डर है कोई चोर है कोई क्या है वैसे ही लोगों से उससे बाहर में मुलाकात हो जाता है और उसके उसके साथ वो घूम घूम के इन दुनिया को उन देखते हैं नया सिरे से पहचानते हैं बाद में उसको पता चलता है वो ये समझ पाते हैं कि जेल में जो लोगों को हमने देखा उससे बूढ़े लोग जेल के बाहर रहते हैं <laughs> ताद में बहुत ज़्यादा बाहर ही में रहते हैं जेल के अंदर में जो रहते हैं वो बहुत कम है और वो बहुत अच्छा भी है और वो फिर वापस जेल जाना भी चाहते कि बा, बाहर का दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं ख़तरनाक लेकिन जेल में कम है अच्छे लोग जेल में बहुत ज़्यादा है तो जेल में जाना भी चाहते हैं लेकिन उन्होंने तो कोई अपराध किया नहीं उसको उस उस तरह हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रबंधन जेल कोड में ऐसा कोई प्रबंधन है नहीं कि किसी को बेकसूर जेल में रख दो हालांकि जेल में बेकसूर लोग ज्यादा रहते हैं लेकिन उसके ऊपर थोपना पड़ता है कि ये कसूर किया है ये तो, आपका अपना अनुभव भी है कि जेल के बाहर जो लोग हैं, वो ज्यादा खतरनाक है जेल के अंदर के नहीं। वो तो हालांकि उस, उस बच्चे को हमने जेल में देखा हाँ। लेकिन उसको अगर बाहर वो जब बाहर निकाल आए तो है वो तमाम सोच तो मेरा ही है मैं भी तो महसूस किया ना कि जेल के अंदर अच्छे लोग ज़्यादा रहते हैं बाहर में अच्छे लोग बहुत कम है ज़्यादातर बुरे लोग हैं ये हमने भी महसूस किया मनोरंजन जी आपके जो दो दो आपके जो मूल हैं एक तो दलित और दरिद्र दोनों ही आपके यू नो मूल आइडेंटिटी कहें तो uh, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आप दलित हैं और दर्... या दरिद्र हैं उसमें या दरिद्र थे अब तो नहीं दोनों दोनों दरिद्र है इसीलिए दलित जो जातना है हाँ. दलित होने का जो जातना वो दरिद्र होने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर आता है और दलित हम हैं तो इसके लिए क्या है हमारे तो जन्म जात जातना हमको सहना ही पड़ेगा क्योंकि तमाम धर्म पुस्तक हमारी वर्णवादी व्यवस्था ये सब लिख के गया कि हमको जातना देना ही उनका पुण्य का काम है तो ये दोनों का खिलाफ़ हम हैं दोनों का खिलाफ़ हमें लड़ना पड़ता है दरिद्रता के खिलाफ भी और दलित का मैंने दलित दलित्वों तो का खिलाफ भी इनको हमें हम तो अपने को दलित नहीं बोलते हैं हमें दलित बुलाया, बुलाया गया जाता है। तो इसको खिलाफ़ भी हम लड़ते हैं नहीं हम इंसान हैं हमें क्यों दलित बोलते हो आप लोग हमको क्यों अच्छुत बोलते हो आप लोग हम आपसे आप कहाँ हम कम हैं और आप हमसे कहाँ ज़्यादा हो थोड़ा बताओ एक मजे की बात सुनिएगा हम विधायक बन गए हम विधायक बन गए तो सरकार की ओर से हमें एक सिक्योरिटी दिया गया लेना पड़ता है नहीं लेने से हम रास्ते में जा रहे हैं चार आदमी हमको गाली पक दिया तो विरोधी पक्ष उसको फोटो वोटो करके बोलेगा देखो ये आपने विधायक को सुरक्षा नहीं दे पाएगा पा रहा तो तमाम जनता को क्या सुरक्षा देगा ऐसे इसीलिए सिक्योरिटी देता है और लेना भी पड़ता है तो एक लड़का मेरे सिक्योरिटी ब्रह्म वही पुराण में लिखा है कि कोई ब्राह्मण का रंग वो काला नहीं हो सकता वो गोरा होगा और जो गोरा है वो ब्राह्मण नहीं है ब्राह्म ब... हम नहीं बोल रहे ब्राह्म ब्रह्म वही पुराण में बंगला में लिखा है अभी आपका भाषा में आपका वाला भाषा में है कि नहीं है मालूम नहीं लेकिन बांग्ला वाला में है हमने पढ़ा उसको वो लड़का ब्राह्मण है लेकिन वो उसका बदन का रंग इससे भी ज़्यादा काला है और कोई एक भयंकर बीमारी जो हम मैं उसको नाम नहीं लेना चाहूंगा वो हो जाने के बाद में वो चेहरा में कुछ झुरिया जैसे छप जैसा आ, आ जाता है डॉक्टर लोग उसको बोलते हैं वो बहुत गंद बीमारी है और वो बूढ़े नेचर वाले लोगों को ही होता है वो उसका चेहरे में वो दाग है उम्र पैंतीस साल होगा ऐसा वो हमें सिक्योरिटी दिया गया एक लड़का वो रोज़ सुबेरे कमीज़ जमीज खोल के उस एक गले में एक जना हुआ है वो लेके बाहर निकलता है चारों तरफ वही नंगा बदन एक बार घूम के सबको दिखा देता है कि वो ऊँची जाति का है ठीक है उतना तक तो चलता है हमारे बीपी बोला है तुम्हारे ये पेट भर रहा है वो बैठा है वहाँ मेरा सबसे बड़ा दुश्मन बोला तुम्हारे पेट में तुमको पैदल में एक पैदल सुबह एक घंटा चलना पड़ेगा तो पैदल चलने के लिए जूता खरीद दिया उन्होंने अब जूता तो खरीद दिया वो फीता कैसे बांधता है वो तो हमें मालूम नहीं है तो फीता तो हमने बांध लिया और रास्ते में हमने चलने निकले तो फीता खुल गया जूता खुल गया अब हम चल नहीं पा रहे वो तो आजू बाजू में कोई है भी नहीं तो वो लड़का को क्या आया मन में उस समय वो भूल गया कि हम चंडाल है हम अच्छुत हैं हमको छूना छु, उसके लिए पाप है वो हमारे वो फीता को बांध दिया बांधने के बाद में एक दो घंटा बाद उसको याद आया कि हम जाति में चंडाल है हमारे पैर छूना उसके लिए ये तो वर्जित है हम उसको पैर छू सकते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है हम चंडल है हमको उसको तो छूना ही नहीं चाहिए इसके बाद उसको जो आत्मगला नहीं आया उससे वो हर रोज हमसे झगड़ा लड़ाई करते थे और जब ही झगड़ा लड़ाई करते थे तभी वो बोलते थे आप इतना छोटा जाति है अछूत है फिर भी आपको जूता हमने बांध दिया ये ही हर समय मैंने उस उसको एक दुख होता था कि आपने कैसे तब तो नहीं समझ पाए कि हम चंडल है ये विधायक का जूता बांध रहा हूँ लेकिन बाद में पता चला कि हम विधायक नहीं हम तो चंडाल है तो उसके लिए इतना झगड़ा लड़ाई करते थे बाद में उसको हमको छोड़ाना पड़ा और एक दूसरा इक्कीसवीं सदी भारत ये ये तो अभी और जब फिर दूसरा हमको एक सिक्योरिटी गार्ड दिया तो हमको उनको बोलना पड़ा एस पी साहब को कि हमको एक ऐसा दीजिएगा जो ऊँचा जाति का ना हो तो अभी दिया है वो दीवर उसका दिवड़ जाति से मछुआरे तो वो वो अभी हमारे साथ रह रहा तो ये जो एक लड़का जिस हम दलित साहित्य के एकेडमी का चेयरमैन है पचास साठ बड़े बड़े पुरस्कार जीता हमारे पुस्तक तो आठ नौ भाषा में ट्रांसलेट भी हुआ इतना कुछ होने के बावजूद भी हम उसके ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि वो ब्राह्मण है उसके एक जनऊ है ये जो व्यवस्था है हम इसके खिलाफ़ लड़ रहे हैं के आधार पर लोगों के सम्मान हो जन्म के आधार पर नहीं जल्दी से कोई सवाल पूछना चाहेगा नहीं तो हाँ बोलिए प्लीज इनको माइक दे दीजे। सर मेरा एक सवाल रहेगा आपने बोला कि ब्राह्मण लोग काला नहीं होते क्या बोल रहे हैं आप सॉरी ब्राह्मण लोग काला नहीं होते आपने बोला ना सर ने बोला सर श्री कृष्ण ने वो गलत लिखा है श्री कृष्ण ने काला थे और हमारा उड़ीसा में आ, महालक्ष्मी एक चंडालुनी के घर में गए हैं अब जो दलित और दरिद्र ने दरिद्र के बारे में बोला ना तो उन्होंने लक्ष्मी में न, उनके घर गए एक चंडालुनी के घर पर घर पे ज, जाके खाना खा के आए आप आपका सवाल थोड़ा स्पष्ट कर देंगे सवाल ये था कि दरिद्र और ये काले गोरे को लेके जो अभी इधर मतलब मुद्दा चलाया मैं उसके सब में नहीं हूँ शायद व्यापारी सर ने क्या बोला? हाँ। ठीक है, है सवाल नहीं हाँ। है कोई ना ये जो आपने जो इसको लेके डिस्कशन किया मतलब ये इसका कोई मतलब ये नहीं है सॉरी मुझे भी समझ नहीं आपका विश्वास है या फिर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं नहीं ये मेरा विश्वास है हाँ कोई सवाल नहीं।, नहीं है सही है अच्छा है। yes. हाँ ठीक है अच्छा हाँ। हाँ, बोलिए व्यापारी uh, सर से एक क्वेश्चन uh, है पर्सनल क्वेश्चन कि सर आप तो समाज व्यवस्था के बारे में बोले कि जो होता आ रहा है सदियों से और अभी भी हो रहा है मेरा सिंपल क्वेश्चन है इज दैट हैपन आल्सो इन पॉलिटिक्स आपके जो पार्टी में है और जो स्टेट में है आपके साथ आपका जो राजनीतिक बिरादरी का लोग है वो क्या ऐसे बर्ताव करते हैं आपकी पार्टी में भी कभी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि लोग लोगों ने आपका जो सर जो नॉन दलित एम एल है जो विधायक है जो दलित नहीं है वो आपके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या तृणमूल पार्टी में हमने आया एक मजबूरी के चलते और उसका अभी डेढ़ साल हो पाया लेकिन हमें उस पार्टी से किसी ने भी इस बारे में अपमानित नहीं किया अभी तक अभी तक नहीं किया और तृणमूल का राज हमें जो लोग जानते हैं तृणमूल का राज आ, नहीं कुछ नहीं बोलिए तृणमूल का राजनीति में आने का हमारा और कोई मकसद नहीं था एक था यही कि हम गोरी लंकेश का भाई नहीं होना चाहते थे और बड़ी मेहनत से एक मकर बनाया वो कोई कब्जा कर ले ये आम होने नहीं देना चाहते थे तो उनके खिलाफ जो लोग लड़ रहे थे उसमें एक ममता बनर्जी उन्होंने जब कहा आओ हमारे साथ लड़ो हम तुम्हें लड़ने का मौका दे रहे तो हमने उनके साथ हो लिए और लड़ लिए बस इतना और कुछ नहीं बहुत कम, क्या बहुत कम है। विधायक इतने फ्रैंक होते हैं आई होप आपका मकान बन जाए बन गया है कर ले अच्छा अब तो बन गया ना तो वो तो अमेजन वाले पैसा दिया हिंदू प्राइज मिला वो पा, उसी पैसे पुस्तक से उसी को वो लोग कब्जा कर लेंगे बोले अच्छा। तो उसके लिए हमको लड़ना पड़ा वो अगर जीत जाते वो लोग जीत जाते तो हमारा मकान को कब्जा कर लेते इसके उनको हराने के लिए हमने ममता दीदी का हाथ पकड़ लिया चलिए तो वैपर जी एक सिंपल एक क्वेश्चन है आप जो बोले कि अमेजन ने पैसा दिया और बहुत सारे प्राइज भी आपको मिले आपको लगता है कि भारत में अभी ऐसा अथर लिख सकता है जिसको पैसा नहीं मिलेगा वो लिख सकता है क्या क्या राइटिंग में पैसा है लिखने में पैसा है क्या नहीं ऐसा तो नहीं है बंगाल में जो लोग लिखते हैं बंगाल में जो लोग लिखते हैं हर एक को कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ता है उसके बाद वो लिखते हैं और लिखते लिखते एक जगह में पहुंच जाते हैं जब पहुंच पाते वहाँ तब उनको पैसा मिलना शुरू हो जाता तो हमको तो पिछले 40 साल 80 से लेके 2000 तक 40 साल होता कि नहीं 40 साल तक तो पैसा नहीं मिला 40 साल के बाद पिछले दो साल से अब हमें पैसा मिल रहा अभी तो ये चालीस साल का लंबा लड़ाई का बहुत ने अड़तीस साल लड़के लड़ना छोड़ दिया हाँ। बहुत ने पैंतीस साल चालीस साल तक कोई कवर नहीं कर पाए और जिन्होंने जिन्होंने कवर कर पाए उन्होंने उनको अभी अभी पैसा मिल रहा चलिए यही बात सर आप लेकिन चालीस साल तक पाठों so को पसंद का पुस्तक लिखना ये भी अपने अपने एक अपने आप में लड़ाई है ना सर आप एम एल ए होने के लिए क्या क्यों सोचा है और क्या क्या डेवलपमेंट काम किया है आपका एरिया में आपने अपने एरिया में क्या डेवलपमेंट काम किया है डेवलपमेंट का काम यहाँ हमें बुलाया गया था एक साहित्य के तौर पर राजनीतिक हमने डेवलप का बारे में क्या काम किया आप यहाँ उड़ीसा में बैठ के सुन के क्या करेंगे <laughs> वहाँ आप बलाघर में आइए बलाघर के लोगों से पूछिए और आपकी बात हमने एक लाख चार हजार वोटर्स वोट वो छत्तीस हजार कवर करके नौ हजार वोट से जीता कुल मिला के एक लाख चार हजार वोट हमको हुआ था हमने क्या किया क्या नहीं किया इसका प्रमाण अभी मिल सकता है अगर एक उपचुनाव हो जाए और फिर दोबारा हम को खड़ा कर दिया जाए तो अच्छा। आप, आप फिर लड़ेंगे और अगेन फिर लड़ेंगे और आउ, फिर एमएलए के लिए लड़ेंगे

Okay, okay, okay. okay. uh, okay. <laughs> फिर मिलेंगे आप लोग सबसे oh, no. आप लोगों ने इतना प्यार से हमें बुलाया एक छोटी सी बात अपना ओर से बोलना चाहूंगा Maaam, पुर 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 दीदी ने हमें वो बोलने के लिए बोला नहीं दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था दीदी वो प्रोग्राम में एक बजरंग बिहारी तिवारी नाम का एक वहाँ एक प्राध्यापक है दिल्ली विश्वविद्यालय उन्होंने कहा वहां एक प्रोग्राम भी हुआ था वो प्रोग्राम का नाम था शब्द बदलते हैं जीवन अगर एक शब्द का अर्थ कोई आदमी सही ढंग से जान जाए शास्त्र में लिखा है तो सारी जिंदगी को जान जाता है ऐसे शास्त्र में लिखा है वो बजरंग बताए जी जी विशा जिसका शब्द जिजी विशा जिसका अर्थ है जीने की तमन्ना जीने की इच्छा तो मैं उन शब्द का अर्थ महाशिम देवी से पूछा था उन्होंने बताया कि जीने का इच्छा जीवित रहने का इच्छा ये मैं आज तक उसी को ढूंढ रहा हूं कि जीना रहना किसको बोलता है आज मैं जो हूं क्या मैं जिंदा हूं आप जो है जिंदा है ये जिंदा है हम आप जिंदा है हम जिंदा है एक कछुआ चिड़ियाखाना में रहा साढ़े तीन सौ साल तक उसको नाम जानते हैं कलकत्ता का चिड़ियाघर में साढ़े तीन सौ साल तक एक कछुआ जिंदा रहा उसको नाम जानते हैं आप लोग नहीं जानते हम भी नहीं जानते लेकिन विवेकानंद का नाम सब कोई जानते हैं वो साढ़े तीन सौ साल तक जिंदा नहीं रहा तो जीना है तो विवेकानंद जैसा जी